नमस्कार मित्रों, आज आपको एक बार फिर से हमारी बड़ी खूबसूरत चौहार घाटी के इस बरोट गांव से आपको एक बार फिर से लाइव हो रहे हैं। और हमारा ये बरोट वैली जो एक बहुत ही पर्यटन के लिए बड़ी खूबसूरत ये जगह है, तो आपने गर्मियों के मौसम में तो इसका यहाँ का नज़ारा दिखाया ही था मैंने आपको, लेकिन इस बार जो सर्दियों में जो बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई है, इस बार इतनी ज़्यादा बर्फ़ तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो आप बर्फ़ का नज़ारा देख रहे हैं ये हमारे बरोट से आपको ये नज़र आ रहा है। तो हमारी ये खूबसूरत बरोट घाटी का ये बरोट गांव, चौहार घाटी का ये बरोट गांव है। और बरोट के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये बड़ा ही एकदम जब कर्नल बैटी ने जब ये शानन प्रोजेक्ट जो है 1922 में ये इसकी परिकल्पना की थी, और 1925 के बाद जब वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसके बाद ये बरोट गांव जो है एकाएक जो है वो दुनिया के पूरे भारत में जो है वो चर्चा में आया। और इसी बरोट से जो है वो शानन पावर हाउस का जो इनटेक है वो इसी बरोट से है। आप पीछे देख रहे होंगे ये पीछे डैम है, और यहीं से जो है वो बरोट के इस जगह से जो है ये पानी इनटेक जो है वो शानन पावर हाउस की यहीं से बनी हुई है। इसे आगे नीचे को जाके यहाँ पे दो रिजर्वायर बने हुए हैं जहाँ से पानी जो है वो सीधा शानन पावर हाउस को लेके गया है। तो ये अभी आप सर्दियों में बरोट घाटी का ये बेहद खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पे अभी बर्फ़ बिल्कुल अभी पड़ी हुई है, और यहाँ पे एकदम सफ़ेद जो है ये आपको पूरा नज़ारा नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे। तो ये बरोट घाटी जो अपनी खूबसूरती के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है, यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और ये सामने आप देख रहे होंगे पहाड़ों में भी जो ये इससे पीछे ये बंगाल वैली जो है ये इधर को चौहार घाटी है, और उसके आगे ये बंगाल जो है वो छोटा बंगाल और बड़ा बंगाल का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है। एक तरफ ये कांगड़ा वैली शुरू होती है और एक तरफ ये जो है ये मंडी का बरोट क्षेत्र है। और ये आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत इस सर्दी के मौसम में ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर इस वक्त बरोट घाटी का है। तो ये बेहद खूबसूरत, और इस वक्त क्योंकि कोरोना का समय है, कोरोना की बंदिशें हैं, तो पर्यटक जो है वो कम मात्रा में यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ का जो रोमांच है वो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंजर जो है यहाँ पर बरोट घाटी में है। पर्यटन के लिए बेहद खूबसूरत जगह है। तो जब हमारा ये कोरोना का समय थोड़ा सा अच्छा होगा, आपको भी समय मिलेगा, तो आप भी ज़रूर यहाँ पर इस बरोट घाटी में आएँ और इस चौहार घाटी का खूबसूरत नज़ारे का आप आनंद लें। तो फ़िलहाल आप सबको बरोट घाटी से इतना ही, जय हिंद, जय हिमाचल।